जैसा कि कल नल में से खून आने पर समाजवादी द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है उस पर आपका क्या कहना है जीवनगढ़ पे? देखिए, दो दिन से अपने घरों में, अपनी सड़कों पर, अपने मोहल्ले में, अपनी नालियों में जब खून ही बहाओगे तो जाहिर बात है कि नल में से खून ही निकलेगा, रूह अफ़ज़ा तो निकलेगा नहीं। दूसरी बात, जिस राजनीतिक दल की आप बात कर रहे हैं और जो लोग वहां मौजूद थे जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे नगर निगम को घेर कर, देखिए नगर निगम जिम्मेदार है जल भराव के लिए। नगर निगम की कार्यप्रणाली जल भराव को लेकर गलत रही है, परंतु खून नल से आना इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। यह खून सुरेंद्रनगर में क्यों नहीं आ रहा? यह खून बेगमबाग में क्यों नहीं आ रहा? नलों में से खून किशनपुर में क्यों नहीं आ रहा? नलों में से खून रामबाग में क्यों नहीं आता है? नलों में से खून नगला तिकोना में क्यों नहीं आता है? नलों में से खून लिखरा नगर में क्यों नहीं आता है? सेंटर पॉइंट में क्यों नहीं आता है? संजय गांधी कॉलोनी में क्यों नहीं आता है? यह खून सिर्फ जीवनगढ़, जमालपुर, जोराबाद ऐसी जगहों पे ही क्यों आता है? क्योंकि इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, इनकी जो परंपराएं हैं वह जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, ये इनकी संकीर्ण सोच है, संकीर्ण बुद्धि है। इनमें से एक नेता कोल विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुका है पहले और जीवनगढ़ क्षेत्र कोल विधानसभा में आता है। इनके लिए इस विधानसभा का मतलब मात्र जीवनगढ़, जमालपुर और ऐसे ही इलाके हैं जहां धर्म विशेष के लोग रहते हैं। मेरा आपसे भी सभी से अनुरोध है, इन लोगों को सद्बुद्धि के लिए प्रेरित करें, इनसे पूछें कि इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी विधानसभा कोल है और इसके अलावा भी ऐसी जगहें हैं जहां नलों में से पानी ही आ रहा है, खून नहीं आ रहा।